अलग अलग राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, के बच्चे भी परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन एक परीक्षा उन घरों में भी चल रही है जहां बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ये परीक्षा है एग्जाम के तनाव से जूझने की, ये परीक्षा बच्चों को कूल करने की, ये परीक्षा है बच्चों को ये बताने की कि परीक्षाओं के नंबर सफलता असफलता का पैमाना नहीं होता। यहाँ इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी। बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर अभी भी सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी और आम घोषणा कर दी गई और 10वीं बारहवीं छात्रों को एक बहुत ही बड़ी राहत प्रदान कर दी गई। देश के लगभग सभी राज्यों में इस वक्त बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है और इसी बीच सरकार की तरफ से कई सारे बड़े और आम बदलाव करने शुरू कर दिए। इसी बीच सरकार की तरफ से कल देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई आईएलबी मीटिंग में एक बहुत ही बड़ा और आम फैसला ले लिया गया, जिसकी संपूर्ण जानकारी और अपडेट हम जाने वाले इस वीडियो में तुमके साथ में, तो आप इस वीडियो तक जरूर देखिएगा। साथ ही अपने बोर्ड और राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तो उन जाइए। देखिए हमारे छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। बोर्ड परीक्षाओं का सीजन स्टार्ट हो चुका है। बड़ी संख्या में छात्र इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे। तकरीबन 3,10,00,000 विद्यार्थी इस बार देश भर में बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं या फिर इस वक्त बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी और आम घोषणा करते हुए सभी छात्रों को बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। जो छात्र डर रहे थे कि इस बार हमारा क्या होने वाला है, क्या इस बार हम फेल हो जाएंगे या फिर हमारे परसेंटेज कम बन जाएंगे, उन सभी छात्रों के लिए सरकार ने बड़ी और आम घोषणा करते हुए एक बहुत ही नोटिस जारी कर दी गई है। आप सभी को गौरतलब होगा कि बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो चुकी है सरकार की तरफ से, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उनकी भी तैयारियों में सरकार को जुटना है। इसी को लेकर सरकार ये चाह रही है कि इस बार जल्द से जल्द बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो और उनका जल्द से जल्द इस बार है वो रिजल्ट जारी हो जाए लोकसभा चुनाव से पहले। और इसी कड़ी में सरकार ने अब एक बड़ा ऐलान करते हुए सभी छात्रों को ये राहत प्रदान कर दी है कि कोई भी छात्र यदि 2 या 3 विषयों में इस बार फेल भी हो जाता है या उसके नंबर कम बन जाते हैं तो 1 महीने के भीतर भीतर वो उस विषय की परीक्षा देकर अच्छे अंक हासिल कर सकता है। ये सभी छात्रों को बड़ी छूट दे दी गई। इस बार इन छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी विषय में यदि आप फेल भी हो जाते हो तो उसके 1 महीने के इतने अंदर अंदर आप परीक्षा देकर उसमें पास हो सकते हो। यदि पढ़ लिखकर आप अच्छा स्कोर भी हासिल कर लेते हो तो भी आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। ये सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।